केक के लिए हम एक कप मैदा ले लेंगे, मेजरिंग कप से, ये वाला कप है। उसके बाद हम आधा कप शुगर डालेंगे, पिसी हुई चीनी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इन सबको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने इसमें आटे का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मैदा आजकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हर लोग अब हेल्दी खाना चाहते हैं और मैदे को अवॉइड करते हैं। अब इसे हम दूध से घोल लेंगे। मुझे और एक कप दूध लगा, इस मिक्सचर को हम अच्छे से घोल लेंगे। ये पूरे अच्छे से घुल गया है, एक भी गांठ नहीं है इसमें, और इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। आप कोई सा भी नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे हम। अब पैन में हम बैटर डाल देंगे। ये बड़ा साइज छोटा साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और इसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी साइज। और इसको लिड से कवर कर देना है एक या दो मिनट के लिए। एक मिनट हमारा हो गया है, अब हम इसे देख लेते हैं। वाह कितना अच्छा कलर आया है। पलट के आपको बहुत देर नहीं देख, थोड़ी देर रखनी है बस, इतनी देर। अब ये हमारा निकल हो गया है, अब हम इसे हटा लेंगे। और इसी तरह से आपको सारा पेनकेक बना के रख लेना है। ये हमारा सारा पेनकेक तैयार हुआ है, मैंने सब एक जगह रख दिया है। आप चाहो तो इस पे हनी नहीं तो चॉकलेट सिरप सर्व डाल के सर्व कर सकते हो। मेरे घर में सबको चॉकलेट वाला ही पसंद है तो मैं इसमें चॉकलेट सिरप ही डालूँगी। देखिए डिलीशियस डिश रेडी हो गई, पेनकेक एंजॉय कीजिए।